हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए फ्रेंड्स एक हेल्दी सही अंदाज में बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और यमी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इजीली घर पर बन जाती है। आप इजीली आप इसको आसानी से बना सकते हैं घर पे। ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है। देख सकते हैं आप ये कितनी यमी और टेस्टी लगती है। तो खाने में ये उतनी ही टेस्टी है जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही यमी लगती है। ये बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। एक बार आप इसको बना करके खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स। इतनी यमी और टेस्टी लगती है। अब कोई भी त्यौहार पर इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कोई भी मिल्क ले सकते हैं जो आपके पास हो। तो इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे। साथ में हम फ्रेश मलाई डाल देंगे इसमें आधा कटोरी, और जितनी आपके पास हो उतनी डाल सकते हैं। उससे ये उतना ही टेस्ट अच्छा आता है इससे। और यहाँ पर साइड में हम देखिए हमने वनीला कस्टर्ड लिया। आप कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं। तो एक थोड़ा सा कटोरी में दूध मिक्स कर करके नॉर्मल टेम्परेचर पर इसे हम 3 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। 1 लीटर दूध है हमारा, तो 3 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, इसे घोल करके रख लेंगे साइड में। तो ये देखिए दूध हमारा गर्म हो रहा है। साथ में हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार। इसको चलाते रहेंगे साथ ही साथ। और बॉयल आने पर इसमें हम कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और साथ ही साथ चलाते रहें इसको कंटिन्यू। तो इसी तरह हमें सारा डाल देना है और इसको चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरीके से मीडियम टू लो आंच पर। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। साथ ही हमारा 7 से 5 मिनट में हमारा बन जाता है। तो देखिए आप इसको चेक करने के लिए इस तरीके से चम्मच ले लें और इसमें कोटिंग आ जाती है इस तरीके से। ये देखिए तो हम समझेंगे हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो चुका है बहुत ही। तो इसको हम ठंडा होने देंगे साइड में। ये देखिए हमने यहाँ पर ब्रेड ली है, तो इसको ब्रेड के साइड से जो पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। और साइड में एक बाउल ले लेंगे, इसमें हमने ये क्रीम ली है। इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में। तो इस तरीके से ये जम गई है और इसी कंडीशनर में हमें इसको चाहिए। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से सारा निकाल के। तो 250 ग्राम थी हमारी ये, उसको हमने टोटल सभी को ले लिया और इस तरीके से मिक्स कर दिया। साथ ही हमने यहाँ पर शहद लिया है 3 से 4 चम्मच। आप अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो भी आप ले सकते हैं, जो हम मिठाई बनाने में यूज़ करते हैं वही। अगर वो है तो आप उसे भी डाल सकते हैं इसमें और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। तो ये देखिए क्रीमी हमारी तैयार हो चुकी है साथ में। और ये जो ब्रेड हमने ली है इसको हम सेट कर लेंगे अपने कंटेन में। तो कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं। तो स्क्वायर शेप में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे हमें सेट करने में आसानी रहती है। ये मेरा स्क्वायर शेप में था, सर्कल में, तो आप स्क्वायर ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम ये इसमें कस्टर्ड की कोटिंग कर देंगे इस तरीके से अच्छे से पूरे में। और इसकी गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट से। तो दरदरा हमने इसको कूट करके रख लिया था, तो इस तरीके से गार्निशिंग कर देंगे। साथ में हमने इसमें कोकोनट पाउडर भी लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी हम किशमिश लेंगे इसमें, तो इससे गार्निशिंग कर देंगे इस तरीके से। तो यमी लगती है बहुत ही खाने में, बहुत ही टेस्टी आता है ड्राई फ्रूट्स का इसमें। तो दूसरी लेयर भी हम ऐसे ही इसमें सेट कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। और जो हमने क्रीम तैयार कर रखी थी उसको हम डाल देंगे इसमें इसी तरीके से पूरा। और 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होने ही देंगे इसको। तो देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें हम जो और दूसरी लेयर है उसमें भी हम इसमें जो कस्टर्ड था हमारा वो हम ऐड कर देंगे और इसकी गार्निशिंग कर देंगे अच्छे से ड्राई फ्रूट से। तो गार्निशिंग आप किसी से भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए गार्निशिंग हमारी हो चुकी है, हमारी इस डेजर्ट तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी लगता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी, सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही स्पंजी सा लगता है खाने में, बहुत ही जूसी होता है ये। इतना जूसी होता है कि बस मुंह में घुल जाने वाला है। बहुत ही यमी लगती है ये रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
आसानी से मिल सके और आप मेरी वीडियो को मिस ना करें। तो आप मुझे कम अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ, इजी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।